तो यार गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और गाइस यार आज के इस वीडियो में हमारे पास है डीप कूल की तरफ से आने वाला L240 mm का AI। यू बेसिकली यार मैंने कभी अपने चैनल पे AI रिव्यू नहीं किया है और यार बेसिकली मैं फर्स्ट बार AI रिव्यू करने वाला हूँ और यार फर्स्ट बार AI यूज़ भी करने वाला हूँ, ठीक है बेसिकली। तो यार अगेन मैंने बताया कि यार मैंने कुछ पार्ट्स मंगवाए हैं मेरे एक फ्रेंड के PC बिल्ड के लिए, तो यार ये उसी का जो है एक हिस्सा है डीप कूल 240 mm का AI और इसको मैं यूज़ करूँगा कोर i7-12700KF को जो है कूल करने के लिए। वेल्स यार गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नेट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं PC रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो PC रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस यार बेसिकली वीडियो की तरफ जाने से पहले ना यार मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आप सबको इंटरेस्ट है प्रीबिल्ड पीसीज में तो यार आप जाकर चेकआउट कर सकते हो antpcs.com, जहाँ पे जो है आपको प्रीबिल्ड पीसीज की जो है बेस्ट डील्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने लिए जाके प्रीबिल्ड पीसी चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड दिया हुआ है, अप्लाई करो डिस्काउंट मिलेगा। तो यार हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार बेसिकली AIOs जो होते हैं भाई, मतलब ऑल इन वन कूलर तुम जिसे बोल सकते हो, बेसिकली तुम्हारे लिक्विड कूलर्स भी इन्हें कहा जाते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं मतलब रेतीली जगहों पे, जोक सपाट, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा पीसी ज़्यादा हॉट रन कर रहा है या फिर तुम एक हाई एंड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो जिससे जो तुम्हें एयर कूलर से जो है तुम कूल नहीं कर सकते और तुम्हारा उतना बजट नहीं है कि तुम NZXT के स्क्रीन वाले AIO ले सको 20,000 का, तो यार तुम्हारे लिए जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली AIO है, जो कि काइंड ऑफ अंडर ₹7,000 तुम्हें देखने को मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो बेसिकली यार मैं बात करूँ डीप कूल गैमेक्स L240 की, तो सबसे पहले तो यार बॉक्स कंटेंट इसका ये, हम इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर देते हैं। ये भाई डीप कूल वालों बहुत शानदार भाई, तुमको देखो यार तुम्हारे प्रोडक्ट को ना मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस ये हमारे कुछ AIO जो है इस प्रकार की इसकी पैकिंग आती है, ठीक है, जो कि नाइस वन। ओके बॉक्स उल्टा रख दिया है हमने, ये जो हमारा बॉक्स है और भाई बहुत प्यारी पैकिंग दी डीप कूल वालों, मज़ा आ गया पैकिंग देख के तुम्हारे, ठीक है। तो ये जो है इस बॉक्स को हम रख देते हैं नीचे और उसके बाद जो है इस कंटेनर जैसी चीज़ में जो है हमारा AIO पड़ा है। बेसिकली ये जो है तुम्हारे AIO उसकी कुछ केबल है, ये तुम्हारा डॉक है RGB उसका पिंस का, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारे जो है ये तुम्हारे डीप कूल के फैंस आते हैं, बेसिकली ARGB फैंस है, टोटल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फैंस है, तुम मदरबोर्ड में पिंस लगाकर उसे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। ये तुम्हारे दो फैन का सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारे मेन पार्ट की तरफ चलें AIO की तरफ। तो यार ये जो है आपको इस तरीके का जो है आपको 240 mm का डीप कूल गैमेक्स L240 जो है देखने को मिल जाता है। बीच में डीप कूल लिखा हुआ है, इस पे RGB है और बेसिकली यार ये जो है आपका पॉलीथीन हटा देते हैं, ये आपका जो है वो रेडिएटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बेसिकली यार देखो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है, मैं ये इन सब पार्ट्स को मिला के जो PC बनाऊंगा ना उसमें इसको जो है मैं इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताऊंगा कि भाई किस तरीके से जो है इस AIO को इंस्टॉल किया जाता है। बट अभी के लिए तुम ओवरव्यू देख लो भाई कि ये जो है तुम्हारा AIO है, बेसिकली ये वाला AIO जो है तुम्हारा 12700K को कूल करने के लिए मोर देन एनफ है, ठीक है। अब बेसिकली इसके थर्मल्स की तरफ चले तो यार चलो मैं तुम्हें थर्मल्स की तरफ लेके चलता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करता है। गाइस यार तुमने इसके थर्मल्स जो है वो सारे देख लिए होंगे और तुम्हें जो है आइडिया लग गया होगा कि भाई ये जो AIO है, ये जो रेडिएटर है डीप कूल L240, ये कितना केपेबल है और कितने शानदार टेम्परेचर्स जो है वो निकाल रहा है आइडियल पे भी और लोड पे भी, ठीक है। तो बेसिकली यार इस टाइप के AIO को तो यार मैं मतलब 10 out of 10 ही दूंगा, क्योंकि भाई इतने अच्छे प्राइस सेगमेंट में और इतने अच्छे थर्मल्स दे रहा है इतने बड़े CPU के साथ, तो वो काफ़ी अच्छी वाली बात है। और बेसिकली ये जो है तुम्हारा दोनों चीज़ में कंपेटेबल हो जाता है, AMD और Intel दोनों में कंपेटेबल है। इसका सॉकेट्स वगैरह सारे इसमें दिए हुए हैं भाई, ये रहा इसका जो डॉक वगैरह है लगने वाला सॉकेट, वो वैसे मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे जो है इंस्टॉल किया जाए। तो बेसिकली ये जो है तुम्हारा कुछ डीप कूल L240 mm का AIO था। बेसिकली यार कॉमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हें डीप कूल के AIOs पर्सनली कैसा लगते हैं या फिर तुम NZXT फैन बॉयज हो, ठीक है। वेल सर गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इस
AIO को बाय करने का बेस्ट वाइलिंग जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। वेल सर गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।